हेलो दोस्तों आई एम ओम त्रिवेदी एंड यू आर वाचिंग ए विद ओम फ्रेंड्स आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के सेशन में जो कुछ भी हम डिस्कस करने वाले वो हर सी स्टूडेंट को इस लास्ट तक देखना चाहिए हर सी स्टूडेंट की लाइफ में बहुत कंसिडरेबल चेंजेस लेके आने वाला है वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं सिर्फ शेयर नहीं करने वाला हूं उसके साथ साथ उसकी इंटरप्रिटेशन एनालिसिस करने वाला हूं मुझे बहुत लंबे वक्त से इस वीडियो के आने का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आने का इंतजार था Finally that अनाउंसमेंट फ्रॉम द आई सी आई प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हेज कम आउट इसके तहत तक जाऊंगा इसके अंदर की बातें बताऊंगा जो बातें शायद आपको अभी तक पता नहीं होंगी वो सब बातें आपसे शेयर करने वाला हूं वीडियो को लास्ट तक देखिए अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हर एक सी के बच्चे को जरूर देखना चाहिए इस वीडियो के लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन है जो लोग सी कर रहे हैं जो करने वाले हैं और जो कर चुके हैं उन सबके ऊपर क्या इंप्लीकेशन हैं वो सारे खोज खबर पोल पट्टी उसकी तहकीकात उसकी अनालिस मैं इस वीडियो के लास्ट तक करूंगा सारी बातें बताऊंगा लेकिन उससे पहले पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें इसमें आईसीआई के प्रेसिडेंट क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और फिर मैं उसकी अंदर की बात आपसे शेयर करता हूं कि ये एक्चुअली क्या चल रहा है और क्या होने वाला है आईसीआई के अंदर जिसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है क्या नया सिलेबस आने वाला है क्या आर्टिकलशिप का तरीका बदलने वाला है क्या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का स्टाइल बदलने वाला है क्या इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन के पैटर्न्स बदलने वाले हैं एग्जाम का स्टाइल बदलने वाला और बदलने वाला है तो किस टाइप का बदलने वाला है इस इंटरव्यू की कुछ खास बातें आप आराम से देखो उसके बाद मैं एक एक बात की चर्चा करूंगा डिटेल में अंदर की बातें उसका प्रोसीजर सारी बातें आपसे डिस्कस करूंगा लेट्स गेट स्टार्टेड विद्रेंड विदीडियो माई डियर फ्रेंड्स so just watch it for 3 4 minutes and then we'll discuss yes changing the curriculum so uh, what type of changes are you see, so if you can brief and when the draft is going to release uh look uh, the first you know uh, the first draft of the curriculum has is already been approved by the council we are laying a lot of stress on technology a lot of stress on technology we are in the curriculum We are talking about sustainable reporting, which was not there in earlier times. We had a subject on integrated reporting, but it did not cover sustainable reporting so much. So we are talking about that, right? So you see, you know, uh, these we are now trying to see that the the future of the profession they they do lot of application of their knowledge. So what we are trying to see is how much open book system we can have right how much open book system we can have so that we give them uh, you know case study based questions give them a book and say that if you are good if you have understood the subject well you must be in the position to answer so the push is towards move away from rote learning and go for the application of mind that is what the push is towards and know the latest that is happening around you सो so फ्रेंड्स आपने देखा एक बात अभी तक आईसीआई प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बाजू में बैठे तलाटी साहब और संजय अग्रवाल सर हैं बड़े फेमस अपने सेंट्रल काउंसिल मेंबर हैं बहुत तीनों लोग जो बैठे हैं ना इस डायस के ऊपर मैं कह सकता हूं, बहुत लोग हैं एक बात जो इन्होंने बोल दी कि नया आईसीआई का सिलेबस आने वाला है अगर आपको ठीक से याद हो पहले नए जो करिकुलम आया करते थे 10, 11, 12 साल में एक बार नया करिकुलम आता था अभी एक करिकुलम स्टैब्लिश नहीं हुआ है अच्छे से और दूसरा करिकुलम आने की तैयारी कर रहा है और वो भी नए पैटर्न में अंदर की बातें मैं डिस्कस करूंगा कि जो ये कह रहे हैं ये ऊपर ऊपर से ओवरऑल बातें कर रहे हैं जो मेरी इंफॉर्मेशन है जो मैं इंटरेक्शन करता हूं लोगों के साथ बोर्ड के साथ काउंसिल के साथ जो लोगों से मेरी जो बातचीत होती है उसमें किस लेवल तक आईसीआई जाने की सोच रहा है जो सोच है आज की आईसीआई की क्योंकि सो दैट वी कैन गेट रेडी इसका लाइफ में अगर हमारे पास अगर हम इवेंट्स ट्रेंड्स को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाते हैं तो आने वाले समय के लिए हम तैयार नहीं होते हैं राइट right. सो so, आगे सुनते हैं और भी इसमें आएंगे मोर ऑन जीएसटी फॉर एक्साम्पल विन डेट इन द कोर्स earlier faceless assessment was नॉट there income tax We are now saying that you see, maybe it's time that you learnt about faceless assessment. So, with the change that is taking place, we are you see, you know, putting that as part of the syllabus. We are thinking that the first calling card for the chartered accountant should be his communication skills. How well does he communicate? We have been always said, the vice president has been said, is just now said that sometimes we are a bit traditional, bit inward looking we're trying to have this gmcs that's a general management and communication skills classes more effective so that in the classes this gentleman he knows how to really communicate well put forward your viewpoints we have our own centers of excellence we have two centers and we are trying to have more we have got land in chennai we have got land in cal so we you see we are trying to have more centers of excellence all over the country टूडे आवर होल आर्टिकलशिप इज बेस्ड ऑन यू गोइंग टू ए सी एफ आर फॉर थ्री इस विंग टू सी दुट ही सेंटर ऑफ एक्सीस फॉर थ्री मंथ्स और फोर मंथ्स वेद ही हैज इंटेंसिव स्टडी एंड फ्रेंड्स मैं एक छोटी सी यहां पर अपनी कमेंट कर देता हूं पहले जब आईसीआई के प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या बड़े लोग आके कुछ कुछ बोला करते थे तो जनरली इंडस्ट्री में हम कैसी मीनिंग लगाते थे कि बड़ी बड़ी बातें ऐसा कुछ होने वाला नहीं है इंस्टीट्यूट बदलने वाला नहीं है और सवाल पूछते थे इज आई चेंजिंग मेरा कहना है कि अब आई के हर एक कमेंट को और हर एक अथॉरिटी के स्टेटमेंट या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई किसी भी बात को हमें सीरियसली लेने की जरूरत है 2018 जब नया करिकुलम आया और इतने सारे केस बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ये वो इन सब की बातें हो रही थी तो मुझे पता है आप जाके YouTube सर्च कर सकते हो सारा इंडस्ट्री खंगाल सकते हो और आप खुद उसके पार्ट रहे होंगे हर कोई इसको नकार रहा था ऐसा कुछ नहीं है प्रैक्टिकल जैसा कुछ नहीं होता केस कुछ नहीं होता इंस्टीट्यूट के बस की बात नहीं है इंस्टीट्यूट कहां से लाएगा ये कैसे करेगा वो कैसे करेगा बहुत सारी चैलेंजिंग बातें होती थी लेकिन आपने खुद ने देखा कि पिछले दो तीन साल में आईसीआई ने बहुत बदला है अपने को मैं कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूं आईसीआई का लेकिन जब हमारे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट कोई बात कह रहे हैं कि अब हम जो कहते हैं वो मीन करते हैं उसको लेके आने वाले हैं इस बात को बहुत केयरफुली टाइम से अर्ली अलर्ट अपना तैयार करना सिस्टम तैयार करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब जो कह रहे हैं उसकी बड़ी इंटेंसिटी में होने वाला है क्योंकि अब ये बदला हुआ निज़ाम है इंडस्ट्री का प्रेशर है ग्लोबल प्रेशर है ग्लोबल कंपटीशन है इंस्टीट्यूट को भी प्रेशर फील होता है इंडस्ट्री का और ग्लोबल ग्लोबलाइजेशन का तो इंस्टीट्यूट बदलने की तैयारी कर रहा है 18 का जो मई 18 का जो अपना सिलेबस था जो इंट्रोड्यूस हुआ है पहला एग्जाम हुआ आप उसमें देखो कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कुछ ऐसी ही बातें और थोड़ा सा सुनते हैं उसके बाद मैं एक-एक बात की इंटरप्रिटेशन आप you know, देखो क्लासेस बीइंग टेकन वी हैव आल्सो सी एनहांस्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टू 18 मंथ्स इंडस्ट्री टू हैव ट्रेनिंग राइट सो दिस आर द चेंजेस दैट यू आर मेकिंग And because of these changes, you see, today 80% of our products are see, taken up by the industry. So we are also pushing towards the industrial training. That's what we are doing. And also there, uh, there are two schemes right now, Means old scheme and new schemes. Mm. So will you continue? With no, old scheme is already gone. From this time old scheme is gone, there is no old scheme, now there is only new scheme. But yes, transitional provisions we have to make because we have now when that scheme comes, the new one comes, maybe next year it will come. Then we'll have the existing one, and you will have the new one. So I think we'll have to have the transitional system for some time. The existing one will have to continue for the transitional listing. But let me tell you the old scheme that you are talking about. You See, the last of the exams have been have already taken place from May 2022 exams. There will be only new scheme. There will not be any old scheme. Okay. And uh, what about the final draft? Means fin final? final draft. Oh, final okay, okay, all right, all right. So you see, what has happened is this. Now, uh, I think I was just looking before I came. I was just looking at the timeline, the roadmap. They were saying March twenty-second, they will submit it to the government of India. Once the government of India approves this, we'll give it to the for public exposure, forty-five days of public exposure public comments on this they say that this change is required for example if you are interested you might like to have a look at it and say that look i i don't think so you should do this we'll take note of that it comes back to the council and then we have this interaction with all the top people educationists we put the course before them right so we see we have interaction with all of them then after all that then it comes back to the council for the final approval the council approves it then it again goes back to the government saying that we, this is the final one so uh, can we go ahead? If the give, government gives the green give signal, we'll you know go ahead for the course. That's how it is. Can I move next? Yes sir. So so friends abhi aapne apne important cheese notice curry. आ, क्या कह गए वो मुद्दे की बात है इस पूरे कन्वर्सेशन से इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का टेक अवे क्या है अब मैं टेक अवे देता हूं उसके इनसाइट देता हूं और खोज खबर और अंदर की बात आपको बताता हूं ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से सुनना ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी लाइफ के लिए और इसकी जो इंटरप्रिटेशन मैं दूंगा वही आज से दो से तीन साल के अंदर सेटल हो जाएगी इंडस्ट्री के अंदर ये बात आप माफ करके चलो क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूं मैं ये नहीं कहता कि मैं गवर्निंग काउंसिल का मेंबर हूं मैं मॉनिटर करता हूं मैं एक कैटलिस्ट मैं एक कह सकता हूँ कि मैं एक ऐसा पियर फैक्टर हूँ जो लगातार इंस्टीट्यूट के हर डिसीजन को सुनता है समझता है इनसाइट लेता है और उसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ और बहुत सारी खोज खबर मैं रखने की कोशिश करता हूँ 2017 ऑनवर्ड्स मैं बहुत एक्टिवली वॉच करता हूँ और मेरी 99% नाइन परसे, जो परसेप्शन कह लो रियलिटी कह लो जो मेरी इन्फॉर्मेशन कह लो जो इंस्टीट्यूट जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं पिछले दो तीन चार सालों से वो ये समझेंगे कि मैं लगातार कोई बात जब साल डेढ़ साल दो साल पहले कह देता हूँ वो बात आगे सच साबित होती है तब हो सकता है एक बार को मेरे को ट्रोल कर सकते हैं आप मजाक उड़ा सकते हैं कह सकते हैं क्या क्या बोल रहे हैं ऐसा नहीं होने वाला सी में ऐसा नहीं होता बट होता है क्योंकि इंडस्ट्री में जो होता है वही सीए में होता है होगा अब नहीं होता था तो अब होगा ये बात आपको समझनी पड़ेगी यू आर द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री इंडियन इंटरनेशनल जो भी इंडस्ट्री की आप बात कर लो ग्लोबल सेटिंग में आप बैकबोन हो तो आप पे असर तो पड़ना है तो सबसे पहला टेकवे तो ये है भाई साहब कि हमारा आईसीआई का एक नया सिलेबस आने वाला है और देखो पांच साल के अंदर आने वाला है मतलब पांचवें साल में प्रक्रिया शुरू हुई अगले साल ये लॉन्च हो जाएगा मार्च 2023 मोस्ट प्रोबेबली थाउजेंड विल बी अ न्यू सिलेबस प्रोसेस वाइस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ने आपको बता दिया है पहले दस साल में आता था पांच आने वाले समय में साइकिल तीन और चार साल का भी हो सकता है तो फर्स्ट इनसाइट अवे फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन इज दिसबस का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है मैं आपको बता देता हूं वही ड्राफ्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी एक से ट्रेड एंड फाइनांस कॉमर्स के पास सजेशन आएंगे कुछ इंडस्ट्री के सजेशन आएंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाने का मतलब होता है उसमें इंडस्ट्री की से भी कंसिडर की जाती है आफ्टर आईसीआई कंसिडरेशन आईसीआई ने ऑलरेडी इंडस्ट्री के स्टेक्स को ले लिया उसके अंदर बट वहां से भी कुछ इनपुट आएंगे ठीक है उस इनपुट के बाद वापस काउंसिल के पास आएगा यहाँ एजुकेशनिस्ट देखेंगे पब्लिक के पास रखा जाएगा सबके बाद फिर काउंसिल के पास आएगा फिर गवर्नमेंट के पास जाएगी गवर्नमेंट से फिर काउंसिल के पास आएगी और फिर फाइनली वो हमारे पास आफ्टर ऑल द रिव्यू एंड प्रिपरेशन ओपन हो जाएगी मेरी इंसाइट ये कहती है कि इंस्टीट्यूट इस मॉडल पे ऑलरेडी स्टडी मटेरियल कंटेंट भी डेवलप करना चालू कर चुका है सो गेट रेडी नया स्कीम जल्दी आने वाला है ठीक है तो जितने बच्चे सीए में एडमिशन ले रहे हैं जो पढ़ रहे हैं जो फाउंडेशन इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ रहे हैं खास करके उनको तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाना है कि हो सकता है फाइनल में जाए तो उनके सामने नया स्कीम ऑप्शन के तौर पर रखा हो दूसरा प्रेसिडेंट ने कहा टेक्नोलॉजी ब्रीफली मैं आपको सारे चीजों की इंसाइट दे रहा हूं आपको प्रिपेरनेस बता रहा हूं आईसीआई की ध्यान से सुनना टेक्नोलॉजी यूसेज एंड प्रैक्टिकल्स की जहां तक बात है यह बहुत ध्यान से सुनना टेक्नोलॉजी के यूसेज का मतलब है इंस्टीट्यूट का कि जितने भी मॉडर्न रेगुलेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार हर चीज़ को हर चीज़ को ऑनलाइन करती जा रही है तो वो सारी जो टेक्नोलॉजी ऐसे डैशबोर्ड की टेक्नोलॉजी है पोर्टल्स वेब पोर्टल डैशबोर्ड्स जिस तरह से डेवलप हो रहे हैं और उनको ऑडिट करने का उनको रिपोर्टिंग uh, करने का जैसे अभी उन्होंने बात करी सस्टेनेबल रिपोर्टिंग की उसके लिए नए कंप्यूटराइज्ड ऐसे आईटी ड्रिवन टूल्स हैं आज की डेट में इंटरनेशनली वो टूल्स अभी तक इंडस्ट्री में उतना यूज होता है बट बिग फोर्स करते हैं या उसमें भी बहुत कम लोग कर पाते हैं वो एक्सपर्ट्स की मदद लेते हैं क्यों नहीं वो सीए की लाइफ में डाला जाए हो सकता है उसमें से कुछ चीज आपके लाइफ में प्रैक्टिस का पार्ट बन जाए आपके सिलेबस का पार्ट बने तो वहां से कुछ चीजें आपके सिलेबस में आएंगी कॉस्ट एफ अकाउंटिंग और खास करके एडवांस अकाउंटिंग एफ जैसे पेपर एस सी एम पी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इवेल्यूशन जैसे पेपर में हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर के ट्रायल वर्जन आए जिसके ऊपर की आपको सम करने पड़े जैसे कि सीमा सीपीए में आप देखोगे एक्सेल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं एस पी एस एस लिंग लिंगो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसके ट्रायल वर्जन होते हैं बच्चे उसी पे सॉल्व करते हैं गेटिंग द पॉइंट सो हो सकता है इंस्टीट्यूट जो सीमा सीपीए और ए सी सी ए का जो पैटर्न है उसको फॉलो करने की कोशिश इंडिया में कर रहा है और यहाँ डिबेट बहुत दिनों से चल रही थी मैं कई बार गया हूँ इंस्टीट्यूट में भी ये डिस्कशन आम है बस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की इंस्टीट्यूट सोच रहा था और एक चीज टेक्नोलॉजी के नाम पे हो सकता है आपका टेस्ट का टेस्टिंग का जो पोर्टल है क्योंकि जब पेंडेमिक आया इंस्टीट्यूट को कहा गया कि भाई आप ऑनलाइन टेस्टिंग क्यों नहीं कर सकते इंस्टीट्यूट ने कहा कि हमारे यहाँ सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है ये है, वो है बहुत सारे बहाने बने जबकि हो सकता था उसी समय सी सीमा ये सब ऑनलाइन कर रहे थे तो इंस्टीट्यूट एक ऑल्टरनेटिव ये भी लेके जाने वाला है सो टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू रूल और बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर आपके पास सिस्टम ई और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा स्टडी का पार्ट आ जाए आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा एंट्री हो जाए इस पेपर की थोड़ा वेटेज बढ़ जाए या थोड़ा ज्यादा इसका इंटरफेरेंस हो जाए आपका हो सकता है फाइनल लेवल पे कुछ ऐसा नया सिलेबस एक आ जाए नया टॉपिक आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है इसकी चर्चा चल रही है क्योंकि अनिकेत तलाटी को जितना मैं जानता हूं ही इज अ ग्रेट गाय इज अ मॉडर्न हैज बिन यू नो एक्सपोज विथ नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड एवरीथिंग ही नोज एवरी थिंग उसने कहा ना हमारा सिस्टम काफ़ी ट्रेडिशनल है अब आप क्रिटिसाइज कर सकते हो लेकिन सच्चाई है इसीलिए इंस्टीट्यूट तेजी से हर दो साल तीन साल चार साल पर एक्सरसाइज करेगा नए सिलेबस को लेकर आने का क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करना है स्टैंडर्ड्स मीन्स कॉम्पिटिटर्स उनके सामने जाकर के ऑब्वियसली रिसर्च बेस में हम बड़े हो सकते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज और बाकी चीजों में दे आर फार अहेड ऑफ अस तो यहां हमें उनको जल्दी से जल्दी कैचअप करने की जरूरत है यहाँ स्पीड बढ़ने वाली है आपकी लाइफ में इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है ओपन बुक सिस्टम ओपन बुक सिस्टम का मतलब हो गया कि अब जिंदगी में हमारे बल्ले बल्ले बिल्कुल नहीं ओपन बुक सिस्टम का मतलब हो गया कि बुक आपके हाथ में दे दी आपका काम आपको दिखा दिया कि बहुत आसान है बेटा लेकिन क्वेश्चन केस बेस्ड रख दिया किताब हाथ में होगी बट ये सॉल्व नहीं होगा जब तक किताब का बाप तुम्हारे दिमाग में नहीं होगा मतलब सीधी सी बात है इंस्टीट्यूट चाहता है जो हमने स्टडी मैट दिया उसकी इंटरप्रिटेशन लाइन बाय लाइन बिटवीन द लाइन उससे रिलेटेड रेफरेंस टेक्स्ट पढ़ के आप बहुत सारे तरीके से उन सारे कंटेंट के लिए हाईएस्ट लेवल पे तैयार रहो मैं आपसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछूंगा और ये खास करके जब ओपन बुक की बात हो रही है सबसे पहले जितने थियोरिटिकल पेपर है ये पहले वही इंट्रोड्यूस होने वाला है जहां जहां केस स्टडी का सबसे ज्यादा स्कोप है और अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल पेपर की तो एक एस में आएगा डी DT में आने वाला है ये सब में जल्दी आएगा पहले इन्हीं एरियाज में इंट्रोड्यूस होने के पूरे के पूरे चांसेस हैं सो ऑल लॉ रिलेटेड पेपर्स टैक्स रिलेटेड पेपर्स एस सी एम पी एस एफ एम अकाउंट एफ आर थोड़ा हो सकता है लेट भी आ जाए इसमें गेटिंग द पॉइंट एफ में आने के चांसेस फिर भी पहले हैं और उसके बाद जितने थेरेटिकल पेपर है इंटर फाइनल के उसमें आने के पूरे पूरे चांसेस है ऑडिट ई आई और केस स्टडी में बहुत पहले से अलर्ट करता आ रहा हूं सारे बच्चों को बार बार कहता रहता और मैं खुद से पढ़ाता आ रहा हूं सिर्फ बोलता नहीं आ रहा हूं मैं ये करवाता भी आ रहा हूं पिछले तीन साल से इंस्टीट्यूट लगातार इस पर बुक बना रहा था उसने पीछे एक नोटिस इशू किया था वो लोगों से इंटरेस्ट मंगाए थे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाए थे कि आप केस स्टडी डेवलप करने में इंटरेस्टेड हो क्या आज से डेढ़ साल दो साल पहले बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग बहुत सारे लोगों ने भेजा था टीचर्स जितने लोगों ने भी भेजा था उनको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था कि आप भाई प्राइवेट में पढ़ाते हो तो फिर आपको नहीं लेंगे बट मैंने आपको कहा था इंस्टीट्यूट इस पर ऑलरेडी एक बुक बना चुका है लगभग 300 300 300 सौ केसेस का हर सब्जेक्ट में उसके पास मटेरियल है और देखो हर सीजन के हर सेशन के शुरुआत में वो 10 20 15 बम फोड़ देता है या एसएससी में इस बार भी 25 आए नहीं तो आते रहेंगे ये ये अब सेटल हो चुका है और इंस्टीट्यूट अपने नए करिकुलम के हिसाब से इन चीजों को ऑलरेडी अपने पास सेटल कर चुका है वॉर लेवल पे काम चल रहा है आप ये मत सोचना कि ये सिलेबस का अनाउंसमेंट होने का मतलब ये नहीं है कि इंस्टीट्यूट आज से तैयारी शुरू कर रहा है इंस्टीट्यूट तैयारी शुरू करके कंप्लीशन के दौर में है अब इंस्टीट्यूट काफी प्रोएक्टिव हो चुका है प्रेसिडेंट बोलने से पहले दस बार सोचते हैं ऐसा नहीं होगा कि प्रेसिडेंट ने बोल दिया ये कोई सेंट्रल काउंसिल का वो ट्विटर पर ट्वीट नहीं है ये पब्लिक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां पत्रकारों को बोला गया अपना स्टेटमेंट है वापस नहीं ले सकते आप गेटिंग द पॉइंट गवर्नमेंट के लोग भी देखते हैं उसके बाद उन्होंने एक चर्चा करी इंडस्ट्री लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द माइंड अगर आप पहले से भी सोचते आ रहे हो आपने हमेशा देखा होगा मैं बार बार इस बात का जिक्र करता था कि इंडस्ट्री का प्रेशर इंस्टीट्यूट पे बहुत दिनों से बहुत ज्यादा है लगातार इंस्टीट्यूट क्योंकि 80 परसेंट एज पर आईसीआई प्रेसिडेंट 80 परसेंट मैं कहता हूं इससे भी ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट अल्टीमेटली इंडस्ट्री में ही जाते और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी प्रैक्टिस करने जाते वो भी इंडस्ट्री में ही जाते हैं तो एटी परसेंट को हंड्रेड बोलने में कोई दिक्कत नहीं है क्लाइंट आपका तो इंडस्ट्री का ही है किसी ना किसी इंडस्ट्री का और वहां पे जो चल रहा है जो वहां पे टेक्नोलॉजी चल रही है ऑटोमेशन चल रहा है बीपीएमएस चल रहा है कंप्यूटराइजेशन चल रहा है डैशबोर्ड सिस्टम्स चल रहे हैं हर जगह ई चल रहा है बैंकिंग में जाओ तो सी चल रहा है आपको उसके हिसाब से तैयार होना है और प्लस उनके ऑडिटिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं और जो ऑडिटिंग के जो तरीके हैं कंकरेंट ऑडिट के जो टूल्स हैं वो सब मॉडर्न हो चुके हैं तो अगेन जितने भी सीए के जो आर्टिकल्स होंगे बच्चे होंगे जो पढ़ाई पढ़ेंगे आपको क्या लगता है कि पढ़ाई जो हम पढ़ते हैं बच्चे तो क्या हम पढ़ के उसको बस एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं नहीं जो हम पढ़ के बनते हैं जैसे बनते हैं वैसे ही तो इंडस्ट्री में जाते हैं ना फिर उसी पर हमारा इंटरव्यू होता है उसी पर हमारा सेलेक्शन होता है उसी पर हम काम करते हैं ऐसा नहीं होता कि हम पढ़ लेते हैं और फिर जाके काम सीखते हैं पहले पहले पाँच साल पढ़ो फिर पाँच साल सीखो कितनी लंबी जिंदगी होगी तो कई बार ये हमने सुना था कि रट के पढ़ के एक बार डिग्री ले लो सीख के अब इंस्टीट्यूट कहता है रट के डिग्री तो मैं दूंगा नहीं अब आपको पहले सीख के समझ के तब लिख पाओगे तो डिग्री मिलेगी और फिर जाके इंडस्ट्री में काम करोगे बुराई नहीं है जो दस साल आप वैसे लगाते थे तो चार साल ऐसे लगा लो अच्छे से सिंसियरिटी के साथ पहले ही माइंडसेट तैयार कर लो कि तीन साल चार साल में मुझे बहुत अच्छे से पढ़ के समझ के इंडस्ट्री में एकदम रेडी होके जाना है मुद्दे की बात यह है कि इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री के लेटेस्ट जैसे कि मान लो आई एम्स है आई आई टी है बी स्कूल है आई वी लीग बी स्कूल्स है मैं सारे बी स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं जो इंटरनेशनल जैसे जैसीमा है सीपीए है ए है ये सब जो इंस्टीट्यूशन है जिस लेवल पे अपने अपने स्टूडेंट्स को जिस लेवल पे इंडस्ट्री के लिए तैयार कर रहे हैं या एम को तैयार कर रहे हैं फाइनेंशियल फाइनेंस के एम को तैयार कर रहे हैं ठीक है वैसे ही इंस्टीट्यूट उनको टक्कर देने के लिए अब प्रो इंडस्ट्री चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाना चाहता है पहले भी बनाता था कहीं ना कहीं सिस्टम काफ़ी ट्रेडिशनल था उसको काफ़ी आगे ले जाने की बात आईसीआई कर रहा है बहुत सारी नई चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस होने वाली है मे बी कि आपको पढ़ाने के लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए जब सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की बात की जा रही है तो हो सकता है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में अब जैसे पहले वो इलेक्शन लड़ने वाले लोग होते थे उनके दोस्त होते थे उनको वोट करना होता था वो आ जाते थे जीएमसीएस ओरिएंटेशन की क्लास लेने के लिए हो सकता है अब उस पर सकती हो कि नहीं भाई आपको 50 परसेंट तो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट डायरेक्ट इंडस्ट्री से बुलाने पड़ेंगे सीए हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता हो मुझे तो इंडस्ट्री का बंदा चाहिए कोई सी आए किसी फिनांस डिपार्टमेंट का कोई बड़ा सीनियर बंदा आए एच डिपार्टमेंट का बंदा आए कम्युनिकेशन स्किल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल इंस्टीट्यूट आपको लैस करना चाहता है मॉडर्न एजुकेशन स्किल एंड टेक्नोलॉजी के साथ जिसमें कम्युनिकेशन स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आपके एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक स्किल्स आपके अंदर कूट कूट के भरने वाला है चार स्किल आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएंगी अपार्ट फ्रॉम अकाउंट्स टैक्स कॉस्ट ऑफ एम लो ऑडिट आप मेरी बात शायद समझ पा रहे होंगे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं मतलब आपको इंप्लीमेंट करना है आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन चाहिए पर्सनालिटी आपको अच्छी चाहिए पर्सनालिटी अच्छी होने का मतलब आपका बहुत स्मार्ट होना जरूरी नहीं है प्रेजेंटेबल बट यू नीड टू बी अ गुड ग्रूम्ड प्रोफेशनल एट द सेम टाइम आपके सिस्टम पे आपकी IT पे टेक्नोलॉजी पे टेक्नोलॉजी right का असर आपके आर्टिकलशिप पर भी पड़ गया आईसीआई प्रेसिडेंट ने जो कहा उसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर है कि आप जैसे कि आप सीए के ऑफिस में जाते हो तीन साल जैसे सीए कहता है जैसे आपके प्रिंसिपल कहते हैं आप उसी के दायरे में अगले तीन साल तक अपनी मतलब जितनी वो कहता है मतलब घुँघरू की डांस दिखाने के लिए उतना घुंघरू भाई नाचते उनके पास अच्छे क्लाइंट है तो आप अच्छी जगह चले जाते हो नहीं है तो आप ऑफिस में टाइम पास कर लेते हो जुगाड़ भी कर लेते हो छुट्टियाँ दोस्त रिश्तेदार ये वो अब आपके पास ऑप्शन खोलने वाले मे बी के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बढ़ा के इंस्टीट्यूट आपका कुछ टाइम तीन चार पाँच महीने यहाँ पर डिवोट कराए आपको एक अलग लेवल का स्किल मिलेगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेकर के कुछ अलग से रूल्स आए जिसमें थोड़ी सी आपकी लिबर्टी हो जो अभी आप कहीं ना कहीं बन जाते हो कहीं ना कहीं आपके पास डायनामिक सिस्टम आपको प्रो इंडस्ट्री बनाने के लिए गवर्नमेंट भी अभी इंडिया में ऐसी है जो लगातार इस बात पे प्रेशराइज कर रही है आपको याद होगा मोदी जी का हर बार एक ट्वीट आ जाता है सी डे पे वो कहते हैं कि मुझे इंस्टीट्यूट ने प्रॉमिस किया था कि वर्ल्ड क्लास के कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म्स बना के वो मुझे देंगे आपको याद है ना वो हर 2017 की बोली हुई जुलाई की बोली हुई बात को वो हर साल याद दिला देते हैं आईसीआई को इतना ही काफी है आपको समझ जाना चाहिए कि इंस्टीट्यूट पे कितना दबाव है इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस को फॉलो करने का तो अब आईसीआई का जो टोटल ये जो इंटरव्यू था इसका एक लबो लुआब एक पूरा जो मैं कह सकता हूं एक कंक्लूजन ये है बॉस कि आपके जिंदगी में एंट्री हो चुकी है स्मार्ट लर्निंग की आपके जिंदगी में एंट्री हो चुकी है स्मार्ट कोर्स की आपकी लाइफ में एंट्री हो चुकी है मॉडर्न एजुकेशन की आपकी लाइफ में एंट्री हो चुकी है टेक्नोलॉजी की और ओपन बुक सिस्टम केस स्टडी प्रैक्टिकल इंडस्ट्री बेस्ड इंडस्ट्री ओरिएंटेड एग्जाम्पल आपको इंडस्ट्री की समझ होनी चाहिए और इन्वामेंट में जो कुछ भी बदल रहा है जो लेटेस्ट जो भी डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर हो रही है उस पर आपकी नज़र बहुत तीखी होनी चाहिए मतलब एज ए स्टूडेंट होनी चाहिए ये नहीं कि मैं जाऊंगा तो मैं फॉर्म में सीखूंगा सी बन जाऊंगा बनने के बाद इंडस्ट्री में जाके मुझे कोई सिखाएगा नहीं इंस्टीट्यूट अपने कोर्स के दौरान इस तीन चार साल के अंदर आपको इतने सारे स्किल आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है जो आपको लेके आने ही पड़ेंगे ये एकदम रियलिटी है गेट रेडी फॉर दिस माई माई डियर फ्रेंड्स एंड आई विल से यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस द रीजन इज ये आपकी जिंदगी को इतना बढ़िया बनाएगा आप वर्ल्ड क्लास आपकी पूरी दुनिया में अभी भी बहुत पूछ होती है आने वाले समय में आपकी पूछ बहुत बढ़ने वाली है क्योंकि अब आप उस रास्ते पे जा रहे हो जिस रास्ते पे आई आई टी एंड आई एम बहुत पहले जा चुके थे अब आपके जाने की बारी है देर आयत दुरुस्त आयत आई सी आई से मैं रियली really इस अनाउंसमेंट के साथ बहुत खुश हूँ ये चर्चा थी लोगों से मैं लगातार सुन रहा था बोर्ड के लोगों के साथ आई सी आई के लोगों के साथ लगातार मैं सुन रहा था हम ऐसे सोच रहे कर रहे कर रहे कोशिश कर रहे हो नहीं पा रहा अब कर रहे अब ये कर लिया वो कर लिया फाइनली द

अगर थे तो भाई कहाँ थे कैसे थे आपका कहीं प्रोफाइल होगा आप कहीं काम मतलब समझ रहे मैं आपका कोई वर्किंग एक्सपीरियंस मतलब अगर मैं बोलूं कि मैं पंद्रह साल इंडस्ट्री में काम करके आया हूं और मैं पढ़ाने में आपको कभी इंडस्ट्री की कोई बात ही ना बताऊं मेरे पास कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल ही ना हो कोई वर्किंग ना हो काम जब हम करते हैं तो हमारे पास वर्किंग्स होती है हम उन चीज़ों को प्रैक्टिकली करते तो करते हैं तो उनके एविडेंसेस होते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट नहीं होता एविडेंस काम करने का तरीका बताने का तरीका उसके केसेस उसके प्रोजेक्ट्स उसके डेरिवेशन उसका डे टू डे फंक्शनिंग उसके डॉक्यूमेंटेशन वो उस सब हमारे पास होते हैं अगर हम इंडस्ट्री में काम करते हैं या कर चुके हैं तो अभी इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं वहां पे आपको लेके जा रहा है आपको अब थोड़ा सा कहीं सुनी बातों से बाहर निकलना है आपको अपना दिमाग खोलना है 2018 वाले ही सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने बहुत गंगा में पानी बहा दिया है आने वाले समय में सिग्नल क्लियर है दोस्त गेट रेडी For modern education and that is going to build your career like anything. Now CA is going to be the creamest course. main मैं keh कह सकता हूँ to तो आज भी हो तुम course hai है ये ka का ke baad main के बाद मैं कहता हूँ iim jaisa course जैसा koi hai to आई hi जैसा equivalent अगर कोई है तो pe aap ही है ho है कई कई जगह kaam आप बहुत आगे हो आपके बगर किसी का काम नहीं चलता है बट मॉडर्न एजुकेशन की जब बात आती है मॉडर्नाइजेशन की बात आती है तो लोग कहते थे एम में ऐसा होता है अरे भाई अब CA में ऐसा होगा बहुत अच्छी बात है सो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट जर्नी अहेड सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड एट द सेम टाइम इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो आईसीआई सी चेंजिंग आईसीआई नए सिलेबस के साथ नए अवतार में फिर से आपके सामने आने वाला है आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विल कॉन्टिन्यूअसली बी सपोर्टिंग यू ड्यूरिंग दिस मॉडर्न जर्नी बिकॉज आई यू नो आई एम अ पर्सन फ्रॉम इंडस्ट्री और मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं हो सकता जब इंस्टीट्यूट ऐसी बातें कर रहा हो क्योंकि मुझे पता है कि सीए के बच्चे को रियल रियलिटी में क्या चाहिए बातें बनाने के लिए तो खुश करने को तो बहुत सारी बातें हो सकती है सीए के बच्चे को रियलिटी में क्या चाहिए वो जो आईसीआई प्रेसिडेंट ने इस कॉन्फ्रेंस में बोला है अगर वो इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं जैसा उन्होंने बोला है और जितनी बातें मैंने सुनी है और जितनी जानकारी मेरे पास है अगर वो सच्चाई में प्रॉपर तरीके से बिना किसी टर्बुलेंस के बिना किसी पॉलिटिक्स के इंप्लीमेंट हो जाती है जो अब हो रही है आईसीआई में सो यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट कोर्स ऑन फिनंस दुनिया के सबसे बेहतरीन कोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हो आप सो विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू यू आर वॉचिंग ए आई सी संविदो हंसते रहो मुस्कुराते रहो जिंदगी जीते रहो अपना अपनों का अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखो फिर मिलेंगे किसी वीडियो में सी यू बु बाय